लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में शामिल होना आजकल आम बात हो गया है। इसी क्रम में बुधवार को कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा जब महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता पद्माकर वल्लभी ने पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पद्माकर वल्लभी मुंबई में राज्य की बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर वानखूले और पार्टी नेता अशोक चव्हाण की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा और अभिषेक चव्हाण के बाद यह कांग्रेस से तीसरा बड़ा निकास है। मिलिंद देवड़ा एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाली शिवसेना में शामिल हो गए, वहीं अशोक चव्हाण भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें राज्यसभा भेजा गया। बता दें कि नंदुरबार के शहादा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक पद्माकर वल्लभी एक प्रमुख आदिवासी नेता है और राज्य में खेल मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। आइए सुनते हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद पद्माकर वल्लभी ने क्या कुछ कहा। अभी ऐसा है कि कांग्रेस में मैंने सामान्य कार्यकर्ता के इससे काम शुरू किया था, सभापति था मैं, एमएलए था, मिनिस्टर था, कांग्रेस में काम किया मैंने, वैसा कुछ नहीं। लेकिन अभी जो भाजपा का जो स्पीड चल रहा है कामों का, धोरण नीति है, जो भी प्लानिंग पार्टी बनाती है राज्य से लेकर केंद्र तक, वो सीधी तरह लोगों तक पहुँच रहा है और इफेक्ट दिख रहा है। कांग्रेस में भी आदिवासी की योजनाएँ थी, लेकिन आज ही अब जो इफेक्ट चल रहा है, प्रशासन जो काम कर रहा है वो सही मायने में चल रहा है, इससे हम प्रभावित हुए। कांग्रेस संगठन का जो मैनेजमेंट है अभी, यानी चाहे इलेक्शन का कैंपेनिंग हो या पार्टी का विस्तार हो, इसके बारे में सही मायने में कोऑर्डिनेशन नहीं है।